अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपना एक्सपीरियंस कि मैं किस तरह विज़िट वीज़े पर रियाद से बहरीन गई। वैसे तो रियाद से बहरीन पहले बाय रोड जाने दिया करते थे, लेकिन अभी कुछ टाइम से इस चीज़ को मना कर दिया गया था और मैं और मेरे हस्बैंड एक एक्सपीरियंस करना चाहते थे, बस यही एक्सपीरियंस का सोच के हम लोग पहुँच गए बहरीन ब्रिज। जब बहरीन ब्रिज पहुँचे तो यही सोच के पहुँचे थे कि जाने दिए तो ठीक है, वरना फिर वहीं से वापस रियाद आ जाएंगे। बस जैसे ही बहरीन ब्रिज के पास पहुँचे और बहरीन के बॉर्डर पे पहुँचे तो बहुत ज़्यादा दिल ज़ोर ज़ोर से धक धक करने लग गया कि पता नहीं हमें आगे जाने दिया जाएगा भी या नहीं। सारी चेकिंग के बाद फाइनली हमें बहरीन एंटर होने दे दिया गया। और उसके बाद सबसे पहले बहरीन पहुंचने की खुशी तो थी, लेकिन उसके बाद सबसे पहले हम अपने होटल की तरफ गए जो कि पहले से ही हमने booking.com से बुक कर लिया हुआ था। बहरीन पहुंचने की खुशी इसलिए भी बहुत ज़्यादा थी कि मैं 4 साल से सऊदी आ रही थी, लेकिन कभी भी मैं बहरीन बॉर्डर क्रॉस करके नहीं जा सकी थी। ये हमारा होटल था जो कि बहुत ही कम्फर्टेबल और अच्छा था। खैर, जब हम पहुँचे तो बहुत रात हो गई थी और अगले दिन हमने सोचा कि हम वहाँ बहरीन के एक पाकिस्तानी होटल से ज़रूर नाश्ता करेंगे, लेकिन क्योंकि हमें उठने में बहुत देर हो गई और जब हम उस होटल पहुँचे तो हमें पता चला कि वहाँ तो हमें नाश्ता अवेलेबल नहीं है। भागम उस होटल पहुँचे और वहाँ जाके जब हमें ये पता चला तो बहुत ज़्यादा दुख हुआ, क्योंकि हमने सुना था कि बहरीन में देसी दस्तरखान की बहुत अच्छी हलवा पूड़ी होती है। बस उसके बाद फिर हमने डिसाइड किया कि अब कुछ खाना तो है, तो फिर वहाँ हमने चिकन कढ़ाई और सीख कबाब ऑर्डर किए और जो कि बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छा टेस्ट था इस होटल का। और बिल्कुल भी हमें रिग्रेट नहीं हुआ कि हम हलवा पूड़ी नहीं खा सके, क्योंकि हमने इन्हीं दोनों चीज़ों के साथ पूड़ियाँ ऑर्डर कर ली थी। बहुत अच्छा टेस्ट था, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट था और बस उस हिसाब से ही टेस्ट था, क्योंकि सऊदीया में ऐसे स्पाइसी खाने मिलते नहीं हैं। उसके बाद हम बहरीन की एक पुरानी मार्केट, जिसको वहाँ की एक तंग सी मार्केट बाबुल बहरीन भी कहा जाता है, जहाँ पे बहुत छोटी छोटी शॉप्स हैं, इस तरह के टर्किश लैंप्स हर तरह के आपको मिल जाएंगे, हर तरह का डेकोरेशन पीस आपको मिल जाएगा। मैंने भी वहाँ से इस तरह का एक टर्किश लैंप ख़रीदा था और एक ज्वेलरी बॉक्स ख़रीदा था जो कि बहुत खूबसूरत थे, और प्राइसेस भी अगर आप पूछते हैं तो 75-85 इस तरह आपको आराम से एक छोटा लैंप मिल जाता है। उसके बाद हम बहरीन के सिटी सेंटर चले गए जो कि वहाँ का एक बहुत खूबसूरत और बहुत बड़ा मॉल है, और वहाँ पे सिनेमाज और हर तरह की चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल हैं। खैर, सिटी सेंटर में थोड़ी बहुत शॉपिंग करने के बाद हमने सोचा कि अब कुछ खा लिया जाए और उसके बाद हम वापस अपने होटल की तरफ आ गए। हमारे होटल के पास ही जफेर स्ट्रीट है जो कि टोटली फूड स्ट्रीट ही है, जहाँ पे हर तरह का फास्ट फूड और हर तरह का जिस किस्म का भी आप फूड खाना चाहें आपको वहाँ पे मिल जाएगा। और फिर उसके बाद हम रात के टाइम वहाँ जफेर स्ट्रीट चले गए। ये हमारे होटल का बिल्कुल रूफ है, यहाँ पे भी आपको खाना हर चीज़ अवेलेबल है। नेक्स्ट डे जब हम सुबह उठे तो हमने सबसे पहले सोचा कि बहरीन के किसी बीच चलते हैं, तो फिर हमने ये वाला बीच डिसाइड किया। इस बीच की एंट्री 20 रियाल थी, लेकिन क्योंकि बहुत साफ़ सुथरा और बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है, इसलिए ये पैसे आपके ज़ाया नहीं होंगे। इस बीच के पास ही छोटे छोटे कैफ़ेज़ भी बने हुए हैं, और साथ ही जो है आप ड्रिंक्स ऑर्डर करना चाहें, आप कुछ खाना चाहें, सैंडविच वग़ैरह हर चीज़ आपको यहाँ पर अवेलेबल है। लेकिन हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग यहाँ पे खाना नहीं खाएंगे, क्योंकि हमें जफेर स्ट्रीट या किसी और फूड स्ट्रीट ही जाके कुछ ना कुछ खाना था, इसलिए शाम का टाइम हमने यहीं पे गुजारा मिरासी बीच में। और उसके बाद जो है हमने सोचा कि हम ड्रैगन मॉल चलते हैं। ड्रैगन मॉल गए, ड्रैगन मॉल में कुछ चीज़ें देखी, क्योंकि बस यही कुछ जगह हैं जो बहरीन में देखी जा सकती हैं, और बस ड्रैगन मॉल इस टोटली चाइनीज़ मॉल की तरह है, चाइनीज़ चीज़ें हैं, हर चीज़ वहाँ पे चाइनीज़ है। बस वहाँ से और मिरासी बीच से होने के बाद हम दोबारा अपने होटल आ गए, और जफेर स्ट्रीट पे ही, क्योंकि मेरा बर्थडे का दिन था और वो तो मुझे सेलिब्रेट करना ही था, तो फिर वहाँ पे मैंने इस पेस्ट्री के साथ किया।